शोर कर रहे हैं। मैंने छोला भटूरा और ये छोला भटूरा और मेरी फिरनी मकुती और ये दही बड़ा और ये मेरी बिरयानी। तो अब चलते हैं, बच्चों केक काटते हैं तो उसका वीडियो शूट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ ठीक ठाक। तो आज मैं आपके साथ फुल शेयर करूंगी दावत मेनू, जो आज तो मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी तो मैं उसी के लिए खाना बनाऊँ। तो इसमें दावत में मैं क्या क्या बना रही हूँ, चिकन बिरयानी, छोले भटूरे, दही बड़े और मीठा में माकुती। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, फिर मैं आपको बैक कैमरा करके पहले दिखा देती हूँ। मैंने 250 ग्राम छोले को 4-5 घंटे के लिए फुला कर रख लिया है। छोले के लिए मैंने टमाटर और प्याज पीस लिया है। और माकुती के लिए मैं दिखा देती हूँ, 1.5 चम्मच चावल मैंने लिया है और 3 चम्मच मूंग की दाल, और इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। और ये मैंने 1 कटोरी उड़ीद दाल और 1 कटोरी मूंग की दाल ली है, इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो के 5-6 पानी से अच्छे से धो लिया। और ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये मैंने बिरयानी के लिए आलू चढ़ाया है। तो इसमें अभी मैं डालूंगी नमक। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी से मैं कैसे बनाती हूँ। तो आलू में सबसे पहले मैं थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज कलर में डाल देती हूँ और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हसबे जायका नमक और 2 तेज पत्ता। और इसमें एक चीज और मैं डालूंगी, वो इसमें है, मैं डालूंगी क्या बताइए आप लोग, दालचीनी। बस हम अपने आलू को अब उबलने के लिए रख देते हैं। तो आलू को मैंने साइड में गैस जला के ऑन करके रख दिया। अब मैं एक कुकर इसमें चढ़ा देती हूँ, जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं तब तक मैं अपने जो माकुती उसके लिए मैंने 1.5 चम्मच चावल और 3 चम्मच मूंग की दाल को जो मैंने सोख करके रख लिया था धो के, अब हम इसे 3-4 सीटी लगा के अच्छे से गला लेंगे। बाकी जो भी चावल हो आप अपने चावलों का रेशा इसी तरह से रखें तो आपकी माकुती काफी परफेक्ट बनेगी। तो 5-6 सीटी से लगा देते हैं गैस बंद करके, कुकर बंद करके सॉरी। तो जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं माकुती के लिए दाल और चावल मैंने सीटी लगाए, तो मैंने उड़ीद की दाल 1 कटोरी और ये मूंग की दाल जो मैंने फुला के रखे थे 4-5 घंटे, इसमें बगैर पानी के मैं जार में अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। ये हमारे दही बनने के लिए है। आप इसी तरह से रेशो रखे 1-1 कटोरी का, तो आपके दही बल्ले काफी सॉफ्ट और अच्छा बने। चाहे तो एक ही दाल यूज कर सकते हैं, इस ये कटोरी का मेजरमेंट है। तो बस मैं लिड लगा के इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेती हूँ। तो जब तक हमारे आलू बन रहे हैं और तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये दाल दही बड़े के लिए पीस लिया है, काफी स्मूथ बारीक पीसा है। तो मैं अभी इसमें एक बर्तन में ट्रांसफर कर दूंगी इसे। तो इस बैटर में मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ हसबे जायका नमक, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और तो इतनी सी मैं इसमें डाल रही हूँ खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बस अब हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह फेंटेंगे, जिससे हमारा बैटर हल्का होगा और हमारे बड़े काफी हल्के और स्मूथ बनेंगे। तो इसी तरह से हमें अपने बैटर को फेंटना है। अभी कम से कम 5 मिनट हो चुका है, मुझे 15 मिनट और फेंटना। तो बैटर मैंने अच्छे से मथ लिया है और 1 चम्मच में इसमें जीरा का ऐड कर देती हूँ, जो खाते समय बहुत अच्छा लगेगा मुँह। तो अब हम इसे अपने, ये देखिए हमारा बैटर 1/2 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख। तो ये देखिए मेरे दाल और चावल अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसे खोल लिए और ये मटके जो हमारे घर में होते हैं ना, इसे लेंगे और इसे अच्छे से हम लोग इस तरह से घोटेंगे पूरा। अगर आपको पानी कम लगे
तो आप पानी कम या बेसी थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं दिखा दूंगी आपको, तो ये देखिए घोटने के बाद इस तरह से गाढ़ापन आ गया है। तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने बैटर को एक बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगी मुझे क्या क्या चाहिए। तो मक्खी बनाने के लिए मैं 1 केजी दूध ले रही हूँ, फुल फैट क्रीम दूध है ये घर। और अब इस दूध को हम उबलने देते हैं। और ये मेरा बैटर इस तरह से मैंने बना के रख लिया है। आप ध्यान रहे आप इतना ही क्वांटिटी में यूज करें। तो हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैंने जो बैटर बना के रखा है इसमें डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हम इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो अब मैं इसमें काजू काटना भूल गई, मैं इसमें थोड़ा सा काजू जो 7-8 काजू मैंने करके और थोड़ी सी पिस्ता मैं ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा पिस्ता मैं जब खिड़ी सर्व करूंगी तो सजाने के लिए। तो मेरी खिड़ी ये देखिए बन के रेडी है। मैं इसमें कर लेते हैं मीठा, मीठा परफेक्ट है। तो अब मैं इसमें 2-3 इलायची का बीज को मैंने इसमें कूट लिया है इलायची को फ्लेवर देने के लिए। तो आप देखिए हमारी चटनी बन के रेडी है। तो अपना गैस को कर के बंद। तो सॉरी मैं इसमें मावा डालना भूल गई थी, ये 50 ग्राम मैंने मावा इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए इससे हमारे चटनी का स्वाद काफी टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए आप मत भूलिएगा, आप पहले डाल दीजिएगा मेरी तरह। तो ये मैंने डाल दिया है मसल के। तो अब हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे और बस हमारी चटनी बनकर रेडी है। 1 कटोरी के करीब मैंने दही ले लिया है ये देखिए, और मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल के पतला कर देती हूँ। और बस मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी लिया है, मैं बता दे रही हूँ भर के। तो बस अब इसे हम थोड़ा सा अपने बीटर से बीट कर देते हैं। इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी, थोड़ी से काला नमक, बस। और मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और अपने बड़ों को अब मैं तलूंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो इधर मैंने देखिए भगोने में पानी चढ़ा दिया है और ये हल्का सुसुम पानी है। अब हम इसमें अपने बड़ों को ऐड करेंगे बना के। तो बस अब मैं इसमें अपने हाथ को डिप करती हूँ। और ये देखिए मैं अपने बड़ों को इसमें फ्राई करूंगी। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बस मैं अपने बड़ों को ये पानी में ऐड कर दूंगी और 1 मिनट तक उसी में छोड़ दूंगी। इसी तरह हम अपने सारे बड़ों को तल और दोनों हाथों से हल्के से दबा के ताकि हमारे बड़े टूटे ना। दही के पानी में ऐड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए बन चुके हैं मेरे बड़े दही में। मैं इसे ढक के रख देती हूँ और मैं आप छोले बना के दिखा। तो ये देखिए मैंने मेरे कुकर में छोले उबल चुके हैं। और इसमें सबसे पहले तो मैं 1 चम्मच जीरा ऐड करूंगी और 1 चम्मच भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी बड़े चम्मच 1 चम्मच और ये छोटे चम्मच है तो इसको 2 चम्मच। तो बस लहसुन अदरक को अच्छे से भून लेते हैं। जब तक हमारी माँ कुत्ती फिर तैयार हो रही तब तक हम अपने छोले को उबाल लेते हैं। तो बस इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड किया है और कुछ नहीं है, थोड़ी सी नमक
नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर और बस, और आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। बस हम इस पर लिड लगा के इसमें हम पांच सीटी तक हम इसे पका लेंगे गैस पर रख के, जब तक हमारी सीटी लगती है। तो बिरयानी के लिए मेरे आलू बन चुके हैं, तो तब तक मैं 1 kg इस बढ़िया क्वालिटी के बासमती राइस है मैं इसे 1-2 घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ। तो हमारे डिजर्ट माकुटी देखिए उबल रहे हैं। इस टाइम पर मैं इसमें केसर ऐड कर दूंगी, आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पीला कलर भी ऐड कर सकते हैं, फूड कलर। तो अभी हमारी पकते हुए फिरनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, अभी और हमें गाढ़ा चाहिए तो और हम पकाएंगे इसे। तो दो बूंद के करीब मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है और केसर सा, इससे हमारे फिरनी का कलर येलो येलो आ गया है। और अभी हम और गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए हमारा फिरनी पकते हुए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। और इस पर हम 100 ग्राम के करीब इसमें चीनी ऐड करेंगे। और ये मैंने थोड़ी सी किशमिश, बादाम और पिस्ता बादाम मैं ऐड कर देती हूँ, और काजू भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो बस मेरे लहसुन अदरक अच्छे से भून चुके हैं, तो बस इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को भी 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनने। तो मैंने 2 medium size के प्याज, मैंने इसमें प्याज का पेस्ट डाला, और 2 medium size के टमाटर का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देती हूँ। और अब इसमें कुछ ड्राई मसाले मैं ऐड करूंगी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1 चम्मच से भर के मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। और इसमें एक और मैं मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसमें एक और चीज जाएगी, और 1/4 चम्मच में काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। और ये चना मसाला है, आप कोई भी ब्रांड का चना मसाला ले सकते हो। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और सबको हम अच्छे से भुनाई करेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें और एहतियात से, क्योंकि हमने छोले उबालते समय भी नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक तो बाद में भी कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए नमक चख के आप ऐड करें। तो अब हम इसे अच्छे से भुनाई करेंगे। एक चुटकी मैं इसमें अजवाइन क्रश करके डालूंगी, क्योंकि काफ़ी हेवी है इसका मसाला, इससे हमें गैस एसिडिटी कुछ नहीं होगा। अब हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब अपने छोलों को मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। और बस 5 मिनट तक हम अपने छोलों को इसी तरह, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे छोलों में काफी पानी है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो अपने छोलों में मैं 2 कटोरी के करीब भर के पानी ऐड करूंगी। तो कितनी बार अब जो यार खुशी लड़ाई करने लगी, क्योंकि मैंने बड़े जो तल के रखे थे वो दोनों बहन को दिए थे, तो किसी को कम चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए। तो ये देखिए अब हम इसे ढक के 5 मिनट कम से कम इसे पकाएंगे अपने छोले, क्योंकि हमारे छोले पहले से पके हुए हैं। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने छोलों को साइड में कर दिया। इस गैस पर मैंने 5 बड़े प्याज ले लिए हैं, और उसके बाद मैंने रखली चॉप कर ली है, और ये 1.5 kg के करीब चिकन है, और 1 kg मैंने चावल लिया है, क्योंकि बहुत और चिकन की मात्रा जो है वो ज़्यादा ही रहेगी। तो इससे पहले हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज फ्राई करते समय ही नमक डाल देते हैं, क्योंकि प्याज जल्दी से हमारी फ्राई हो जाएगी। और चिकन मैंने 3-4 बार पानी से अच्छे से धो के रखती है, तो
तो हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसमें अपने धोए हुए चिकन को ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले तो इसमें मैं 2 चम्मच इससे पूरा भर के धनिया पाउडर 1 चम्मच और ये थोड़ा सा मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर मैं ऐड करूंगी। और अब बारी है इससे भर के मैं 4 चम्मच भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। 2, 3 और 4। तो अब हम अपने मसालों को अच्छे से 3-4 मिनट तक भूनेंगे करीब। और थोड़ी सी मैं गरम मसाला 1 चम्मच के करीब। और अब मैं 1 कटोरी ये जिसमें मैंने आलू उबाल के उबाले थे वही पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और बस, और ढक्कन लगा के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब पक जाएगी, कम से कम 7-8 मिनट में चिकन बन के तैयार हो जाएगी, हम उसे भून लेंगे अच्छे से। तो जब मैं हमारे छोले बन चुके हैं, मैं आप दिखाऊंगी आपको छोले में ज्यादा चिकन चढ़े हुए है। जोया देखिए पूरा रो रहे क्योंकि उसका गुपचुप टूट गया है। तो 1 केजी मैंने मैदा लिया है और मैंने 150 ग्राम सूजी को पानी में भिगो के 2 घंटा पहले रख दिया था। और इसमें मैं 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी, हसबे जायका नमक और 1/4 चम्मच में खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच मैं चीनी भर के यूज कर रही हूँ। और मैं 4 चम्मच के करीब इसमें दही ऐड करूंगी, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 बस। और मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए इसमें। तो इसको अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम जो सूजी है इसी के पानी से हम थोड़ा थोड़ा सूजी लेंगे और आटा लगाएंगे। तो इसमें जितना मैंने मेजरमेंट बताया उतना पूरा मुझे लग गया है। और देखिए इसमें बस मैं 1 चम्मच के करीब तेल बस इस तरह से, और ये इंस्टेंट 1/2 घंटे में ही रेडी हो जाएगी हमारे छोले भटूरे, हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह हम ढक के इसे रखते हैं। तो हमारा चिकन देखिए अच्छे से मैंने 8-10 मिनट तक भून लिया और देखिए कितना अच्छे से कलर भी आ चुका है और तेल ऊपर सेपरेट हो चुका है। और अब हम अपने चिकन हमारा बन चुका है, तो मैं अब इसे चिकन गैस को करते हैं बंद, चिकन को करते हैं। तो मैंने तेज पत्ता इसमें ऐड किया है और आधी प्याज काट के ऐड कर दी है इसी तरह से, और 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और जावित्री और 5-7 लौंग मैंने ऐड किया। अब इसी तरह हम नींबू निचोड़ देंगे अच्छे से, बीज निकाल के 1 नींबू पूरा। और चिकन में मैंने ऑन ऑफ स्क्रीन मैंने 1 कटोरी दही डाली थी, इस कटोरी से आप डाल दीजिएगा, मैंने दिखाया ना सॉरी। और हसबे जायका नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और पानी को हम बॉयल होने देते हैं। तो बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए मैं इतनी सी कड़ी ली हूँ आप, और ये 1 चम्मच के करीब पोस्तू जिसे हम खसखस भी कहते हैं, इसे हम जार में ट्रांसफर करके इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। और ये श्रीफाइन तेल में मैं अपने आलुओं को फ्राई कर लूँगी बिरयानी को। तो हमारी पानी अच्छे से बॉयल हो चुकी है और जो मैंने चावल भिगो के रखे थे अब मैं उसे इसमें ट्रांसफर कर दूंगी अपने चावलों को। तो मेरा किचन छोटा है तो डोंट माइंड, आप सिर्फ खाने पे या स्वाद पे ध्यान दीजिए कि कैसा है, और एक बार जरूर ट्राई करिएगा।
अब मैं चाहती हूँ 75 बनाऊंगी, बाकी मैं दम पे पकाऊंगी। हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, जब तक मेरे चावल बन रहे हैं मैं एक मोटी लिया थी और 4-5 हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक पतले पतले काट लिए और इससे हम अपने छोले में तड़का लगा देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमारे छोले बनके तैयार हैं। हम इसमें तड़का ऐड कर दे रहे हैं बस। तो मैदा अपने बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करी और हमारे चावल बन चुके हैं, तो अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। हमें 25% पकाना है। तो हमारे चावल बन चुके हैं, मैंने इतना चावल निकाल लिया है और अब चावलों में लेयर लगाएंगे। तो नीचे एक लेयर गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ और ये गड़ी और पोस्तू जिसे हम कहते हैं उसका लेयर हम लगाएंगे। और बस एक अब आलू अपने तह में लगाएंगे, फिर आलूओं के ऊपर हम अपने मसाला छीटेंगे। तो ये देखिए आपको दिख पा रही होगी। और फिर हम एक लेयर अपने चावलों का लगाएंगे इस तरह से, फिर हम अपने मसाले और ये मसाले थोड़े से और चिकन का जो है हमारा चिकन मैंने बना कर रखा है वो चिकन का लेयर हम लगाएंगे। फिर हम अपने गरम मसाला का और थोड़े से ये मसाला जो मैंने बना के रखे हैं ये, और थोड़ा सा मैं गुलाब जल ऐड कर देती हूँ। अब थोड़े से मैं ऊपर लेयर लगा देती हूँ बचे हुए चावलों से। तो मैंने गरम मसाला और जो गड़ी या पोस्तू का बना के रखा था, अब मैं थोड़ा सा इसमें केवड़ा वाटर और रंग अपनी बिरयानी में, ऊपर से ये प्याज और ये मेरे चिकन के ये चिकन का जो तेल बच गया है बस हम अपने बिरयानी में ऊपर से इस तरह से दे देंगे। इससे हमारे बिरयानी काफी अच्छा कलर आएगा। और बस और एक चम्मच के करीब मैंने कुक ऑयल यूज किया है। अब हम अपनी बिरयानी को ढक देंगे और ये देखिए मैंने इसके नीचे तावा रख दिया है और अब दम पे पकाएंगे अपनी बिरयानी को। मैं गैस ऑन कर देती हूँ, आई होप आप लोगों को दिख पा रही होगी। ये देखिए तो अब हम मिलते हैं जब बटोरे बनाएंगे तैयार होके। तो मिलते हैं।